हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन सलोन। तो आज हम करने वाले मार्जियल का 12.5 जो कि मार्जियल लिफ्ट फैमिली से है। तो हेयर भी आप चेक कर लीजिए कैसे वर्जिन हेयर है और इनके ऊपर जो है हम डायरेक्टली कलर करने वाले हैं जो विदाउट प्लेटनिंग के। तो चलिए देखते हैं कैसा शेड आता है। आप ट्यूब भी देख सकते हो कैसी है, ट्यूब का कलर कैसा है। तो बहुत ही सही शेड आने वाला है, आप देखते रहिए, एंडिंग तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, हमने ट्यूब निकाल ली है, हमें डालना है 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब भी आप हाईलाइट करते हो तो आपका 30 वॉल्यूम लेना है। 40 भी ले सकते हो, पर 40 वॉल्यूम से जो आपके हेयर हैं वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इनका जो रेशियो है वो 1:2 है। 1:2 का मतलब होता है जितना आपको ट्यूब लेना है उससे डबल आपको डेवलपर डालना है। तो मिक्सिंग रेशियो जो वो ध्यान रखिए, आपको जितनी भी लिफ्ट वाली फैमिली है लोरियल की हमारी, उनका जो रेशियो है 1:2 है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने भी जो आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। जो भी हमने सर्विस क्लाइंट्स को किए वो भी आप चेक कर सकते हो, और वहाँ पर भी है जो आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने मिलेगी। तो चलिए, हमारा मिक्सिंग हो चुका है, अब हम हेयर थोड़े से हेयर लेंगे, पूरी जो बट है वो नहीं लेंगे, थोड़े से ही लेंगे ताकि दोनों में से जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे। तो चलिए, आपको थोड़े से बट निकालने के बाद उनके ऊपर जो है वो अच्छे से एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करते समय ध्यान रखिए, अच्छे से कीजिए, कहीं पे भी पैची लुक ना आए, सारे हेयर को जो है वो कलर लगना चाहिए। अगर आप हाईलाइट के लिए यूज़ कर रहे हो ये शेड तो बहुत सही शेड है, आपके हेयर पे ऊपर जाएगा। और ये विदाउट प्रीलाइटनिंग के कर सकते हो तो आपका जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और शेड भी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, नेचुरल शेड आएगा। तो आप हाइलाइट्स में इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए, हमारा एप्लीकेशन जो है वो हो चुका है, अब हमें इस कलर को 30 मिनट्स तक रखना है। 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि शेड आया कि नहीं। तो चलिए, हमारे 30 मिनट जो है वो हो चुके हैं, तो हम चेक करेंगे कलर जो है वो आया है कि नहीं। तो आपको दिख ही रहा होगा सही शेड आ चुका है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो भी हमारा डिजर्व था, हमारा जो कलर वो आ चुका है। तो चलिए, इसे अच्छे से क्लीन करके लेते हैं और देखते हैं कि शेड जो है वो कितने लेवल तक लिफ्ट हो चुका है। तो हम इसे पहले वॉश करेंगे, और वॉश पे आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो। शैम्पू से आप पूरा जो प्रोडक्ट था हमारा वो क्लीन कीजिए अच्छे से, जो भी टोन था उसका वो निकाल दीजिए। अगर ब्लू शैम्पू रहेगा तो आप ब्लू शैम्पू भी कर सकते हो। चलिए, शैम्पू होने के बाद हम इसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो शेड दिख रहा होगा कितना प्यारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है, प्यारा शेड जो है वो आ चुका है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि शेड आपको पसंद आया कि नहीं। मोहगनी वेरी लाइट ब्राउन के नाम से ये शेड है, तो आप ये हाईलाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत सही लगेगा और बहुत अच्छे से जो हाईलाइट्स दिखेंगे आपके हेयर पे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।